असलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवीद। आज हम फोटोशॉप में एक और लोगो बनाने जा रहे हैं। ये हमारा तीसरा लोगो है। पहले मैंने दो लोगो बहुत ही आसान और करेक्टर बेस्ड बनाए थे। आगे हम एक और करेक्टर बेस्ड लोगो और आसानी से कोई क्रिएट करते हैं इसी तरीके से जिस तरह पहले ही हमने यहाँ पर 300 रेजोल्यूशन पर जो है 3005 साइज रखा। 3000 ही रख लें, 4000 5000 भी रख सकते हैं। मेरा ख्याल है कि 3000 इनफ है। उसके बाद जनाब आप यहाँ पर हम लिख लेते हैं नवीद। अच्छा, ये मेरे फॉन्ट जो है बहुत ज़्यादा डले हुए, इस वजह से ये लोडिंग टाइम ले रहा। खैर, हम एनीवे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये जनाब हम यहाँ पर लिखते हैं नवीद। हम इसको कर लेते हैं, ठीक है, हम इसको साइज बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से कर लें या वैसे वहां से कर लें, एक ही बात है। और हम आज क्या करते हैं, हम इसके इसका कलर हम कर लें, ठीक है, ब्लैक। हम बल्कि ना एक काम करते हैं कि शेप बेस बनाते हैं। पहले एन बना लेते हैं, रेक्टेंगुलर टूल लिया मैंने, और मैंने ये अपनी मर्जी से एक ले लिया एन, ठीक हो गया। इसका कलर मैं कर देता हूँ, ये अलग अलग कर देते हैं इसके अंदर, और ये बेहतर चले, ये भी अच्छा लग रहा था वैसे मुझे। और मैं इसके बाद इसको अल्ट की प्रेस करके एक और इसकी कॉपी बना लेता हूँ और तकरीबन ये इस जगह पर रख लेता हूँ, बराबर है। इसके बाद मैं क्या काम करता हूँ, इसको यहाँ पर ले आए, थोड़ा सा यहाँ से एक और काम करते हैं इसको। अब इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, बल्कि ज़्यादा बेहतर है। इसका फिल यहाँ से मैं चेंज करता हूँ, आप किसी भी जगह से फिल चेंज कर सकते हैं, ये ऐसे। और इसकी एक कॉपी बनाए आप आल्ट के साथ ऐसे। नेक्स्ट ये करना है कि ये जो है इसका भी एक आर्ट के साथ हम ये बना लेते हैं, बल्कि हम एक काम और करते हैं कि इसकी एक ये जो है टांग, इसको हम फिलहाल बाहर निकालते हैं। इसके ऊपर आप प्रेस करें यहाँ पे कंट्रोल टी, राइट क्लिक करके मैंने आपको डिस्टॉर्ट स्क्यू और स्केल वगैरह का बताया था। स्क्यू पर जाएं और आप इसको थोड़ा सा कर दें यहाँ से टेढ़ा, ठीक हो गया। और यहाँ से भी थोड़ा सा कर दें टेढ़ा, ठीक हो गया। लेकिन हम इसको मजीद ले आते हैं यहाँ पर तक ले आए, ठीक हो गया। इसके बाद जनाब हम इस वाली टांग को लेकर इसके ऊपर वर्क करते हैं। इसको ला कर रखा मैंने इसी के साथ, ठीक है, और इसी तरह कंट्रोल टी प्रेस किया। इसके साथ ही हम वही काम करते हैं कि स्क्यू, और इसको हम करते हैं दरमियान से यहाँ से पकड़ के, सॉरी दरमियान से को मैंने पकड़ा, और यहाँ पर ले जाएं और इसको यहाँ पर लाके छोड़ दें। थोड़ा सा एन मेरे ख्याल हमने चौड़ा बना लिया। खैर कोई बात नहीं, इस वाले को मैं क्या काम करता हूँ, इस वाले को मैंने लिया दोबारा सिलेक्शन की और मैंने कंट्रोल टी प्रेस किया, सॉरी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, राइट क्लिक करके स्क्यू करना है हमने। नहीं यार, ये थोड़ा सा गड़बड़ हुई है, ये रेक्टेंगुलर 3-1 कॉपी, कंट्रोल टी और स्क्यू, ठीक है यार, ठीक जा रही है। इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। अच्छा, हम इसका थोड़ा सा एरिया कम करते हैं और थोड़ा सा इसकी शेप बेहतर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम करते ये हैं कि या तो हम इसी की कॉपी बना कर लेते हैं, या इसको थोड़ा सा इस वाली लेयर को ना थोड़ा सा कंट्रोल टी, थोड़ा सा जूम करके करते हैं ताकि रिफाइन हो जाए। ये लेयर सिलेक्शन की हमने पीछे लेयर सिलेक्शन करनी थी, कंट्रोल टी और इसके एंड तक ले आते हैं इसको, ये देखिए ये एंड,
ख्याल है कि अब ये चेक करें। ठीक है, और यहाँ से इसको इसके मिड में कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से अब इसे भी कॉन्टेक्स्ट से बेहतर करते हैं। कंट्रोल टी स्क्यू और इसको यहाँ से, ठीक है, हम काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा ना हटाते हैं यहाँ से, इसी को लेते हैं, इसी की कॉपी, थोड़ा सा आसानी से करने की कोशिश करते हैं, आसानी हो जाए ताकि हमारी। ठीक हो गया, ये थोड़ा सा हमने इसको भी क्या करना है, जूम करके दिखाता हूँ। जो है इसको कंट्रोल टी, सॉरी कंट्रोल टी स्क्यू, इसको भी हमने आ जाओ भाई हाथ में आ जाओ, ये मेरे हाथ नहीं आ रही, क्या वजह है मेरे हाथ की नहीं आ रही हो, नहीं ऐसे नहीं करना, हम वापिस चलते हैं, इसी की मैंने कॉपी बना ली, ऑल्ट प्रेस करके मैं इसी को ऐसे करके ले चलता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं ऐसे करके, अब चेक करते हैं, अब बेहतर लग रही, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, कोशिश यही करें कि जितना आसानी से हो सके इसको हम करें, इसका फिर मैं करता हूँ ये वाला कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है जनाब, हमारे पास शेप बहुत प्यारी बन गई है, इसके एक्स्ट्रा एरिया को हम काट देते हैं, इसको भी रास्टराइज करते हैं, इसको भी रास्टराइज करते हैं, लेयर वन को भी हम रास्टर कर लेते हैं, रास्टर लेयर। अच्छा जनाब, मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से आप जूम करके काटिएगा ताकि कोई गलती ना हो। देखिए अगर आप चेक करें तो यहाँ पर ये होता है, ये इस वजह से मैं आपको बता सके, क्लोज करके काटिएगा ताकि रिफाइन हो हर चीज़। कंट्रोल एक्स किया, ठीक हो गया, इसका भी एक्स्ट्रा एरिया यहाँ से हम सिलेक्शन कर लेते हैं, मामूली सा चेक करें, आप देखें तो यहाँ से थोड़ा सा और भी होना चाहिए, एनी वे मेरे ख्याल कोई फर्क नहीं पड़ता इतने से उसको, मैंने रास्टराइज नहीं किया इसको, इस लेयर को मैंने यहाँ से क्या किया जनाब, रास्टराइज कर लिया थोड़ा सा इसको जो है ना, मजीद ये ऐसा भी काटना है हमने, तो एक्स किया मैंने, ये यहाँ तक चेक करें आप, ये देखिए कितनी प्यारी शेप बन गया, हम इसको मजीद भी कटिंग कर सकते हैं, 3D इफेक्ट में भी लेके आ सकते हैं और एक्सपेंड करके भी काट सकते हैं। एक तो शेप हम ये भी ले सकते हैं, ये भी बहुत प्यारी लग रही है, और इसी की आप जो है एक टीटो कॉपी बना के हम इसको भी सेव कर देते हैं, और बल्कि हम चलते हैं मजीद काम करते हैं इसके ऊपर, इसको मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, जूम इन करता हूँ और एक काम और कर लेता हूँ, सिलेक्शन लेता हूँ यहाँ से, जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया इन दोनों के कलर में भी थोड़ा सा फ़र्क है, वो भी आप सेट कर सकते हैं, और अगर मल्टीपल कलर में रखना तब भी कर सकते हैं इसको, यहाँ से मैं इसको सिलेक्शन लेता हूँ, तो जो भी सिलेक्शन ले लें, चेक करता हूँ इस सिलेक्शन इनफ है इसकी, एक्सपेंड करके भी आप इसको काट सकते हैं, और यहाँ से इतनी सी सिलेक्शन बढ़ाना चाहें बढ़ा भी सकते हैं, हम इसकी विड्थ भी देख सकते हैं कि इसकी विड्थ कितनी है, उसके मुताबिक भी काट सकते हैं, ये आपके अपने जहन के ऊपर है कि इसकी विड्थ 165 है, यानी हम इसको भी काट के देख सकते हैं यहाँ से ये कैसा लग रहा है। कंट्रोल डी करके मैं डी सेलेक्ट कर देता हूँ, और मैं
20 करता हूँ। काम को ये करते हैं हम कि जितनी सेक्शन में यहाँ से करता हूँ ना उतनी सेक्शन यहाँ से कर लेते हैं। मेरा ख्याल है वो ज़्यादा खूबसूरत भी लगेगा और प्रोफेशनल भी लगेगा। हम ये सिलेक्शन यहाँ से कर लेते हैं, इसकी थोड़ा नीचे ले आते हैं, ये सिलेक्शन यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है। और इसको मैं इस लेयर को रास्टर कर देता हूँ, ठीक है। ये ऑलरेडी रास्टराइज हुई है, कंट्रोल एक्स किया देखें, और थोड़ा सा मुझे कंट्रोल सी करना पड़ेगा, कंट्रोल डी करना पड़ेगा। मैं दोबारा इसकी सिलेक्शन करके काटता हूँ, कोई बहुत ज़्यादा परफेक्ट और रिफाइंड सिलेक्शन नहीं हुई थी। हम यहाँ से सिलेक्शन करना शुरू करते हैं, इसकी ब्लैक को देख के नज़र में रख के कीजिएगा। अब उम्मीद है कि नहीं, अभी भी देखें ये जो एरिया ये आ गया इसके अंदर, मैं इसको दोबारा कंट्रोल डी करता हूँ और इतनी सी यहाँ पर रख के, ठीक है। विड्थ मैंने नोट कर ली 56 है इसकी, ठीक है। और मैंने यहाँ से कंट्रोल एक्स कर दिए, अब बेहतर हो गया। यहाँ से मैं 56 के लिहाज से सिलेक्शन करता हूँ और ये देखिए 56 पर मैंने रख के इसको छोड़ दिया। इससे पहले मैं इस वाली लेयर को सिलेक्शन करता हूँ और उसको रास्टराइज कर लेता हूँ। ये भी मेरा ख्याल है कि मैंने ऑलरेडी रास्टर किया हुआ, इसको कंट्रोल एक्स किया, चेक करें। ये मेरा ख्याल है कि उसकी निस्बत मज़ीद परफेक्ट हो गया। कलर स्कीम चेक करें, ठीक है। एक ये कर लें आप कॉपी, एक वो कर लें, दोनों काम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी हम बहुत से काम कर सकते हैं इसके अंदर। इसको आप ये कलर, इसको ये कलर भी दिया जा सकता है और इस तरह भी आप इसको सेव कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि हम, मैं बता देता हूँ किस तरीके से आप करना है। इसको करके कलर ओवरले भी कर सकते हैं और बहुत से कामों से आप इसको कर सकते हैं। हम इसको जो नवीद लिखा था, हम इसको मुकम्मल कर लेते हैं। नवीद अली बस मेरा ख्याल है कि ना फिर प्रॉपर कर लेते हैं नवीद अली को, ठीक है। तो मैं इसको नवीद अली को ले आता हूँ इस जगह, और नवीद को मैं कर देता हूँ ऑरेंज, और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ये, और मैं इसके नीचे आ जाता हूँ, लिखता हूँ अगेन स्लोगन। इसके नीचे मैं अपना स्लोगन टाइप कर देता हूँ। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो स्लोगन होता है वो हमेशा नॉर्मल फॉन्ट में होता है और छोटा होता है, और लाइट वेट फॉन्ट में होता है, मतलब आप उसको बोल्ड वगैरह नहीं करते। चेक करें, इसको हम ऐसे करते हैं, ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसके बाद आपने काम करना है इसका बैकग्राउंड हटाना है, ठीक है, और इसकी PNG सेव कर लेनी है। फोटो के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया डेस्कटॉप पर, और मेरे पास ऑलरेडी एक मुकअप फाइल खुली हुई है मेरा ख्याल है। नहीं, मुकअप फाइल, हाँ जी, क्लोज करते हैं। मैंने क्लोज किया, मैं आ जाता हूँ यहाँ से लोगो डिजाइन मुकअप किया, ये फाइल खुल गई। इस वाले पर मैंने डबल क्लिक किया, कंट्रोल क्लिक भी कर सकते हैं। यहाँ पर जनाब मैंने नवीद लोगो 2 जो सेव किया था उसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें, नवीद लोगो 2 को ड्रैग एंड ड्रॉप करें, इसके अंदर लेकर आए, और ये वाला जो नवीद है इसको आप हाइड कर दें, कंट्रोल डी करें, और इसको आप बड़ा कर दें जितना बड़ा कर सकते हैं आप, खूबसूरत लगेगा ये। इतना इनफ है, ठीक है। और इसको आप कंट्रोल एस जैसे ही प्रेस करेंगे, लास्ट टाइम भी बताया था आपको, ये देखें, ये आपका सेव हो जाएगा लोगो। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।